अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। जी दोस्तों, सबसे पहले जी जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मेरे चाहने वाले प्यार करने वाले सुसन अहलियान शेखुपुरा और बैरून मुल्क मुकीम हज़रात, शौकीन हज़रात और तमाम दोस्तों और उस्ताद अकराम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तो जी दोस्तों, आज हम बड़ा एक अच्छा मौका मिला है। आज माशाल्लाह जी किंग ऑफ कबूतर परवरी जनाब उस्ताद सैयद फ़ख्र बादशाह साहब माशाल्लाह आफ यूके, आज हमारी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती तो माशाल्लाह चार पाँच साल से कि जब भी वो आते हैं वो मुझे बड़ा शफकत और प्यार करते हैं, माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी टाइम गुजारते हैं। तो आज माशाल्लाह दोस्तों आए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी गुफ्तगू हो जाए और यूके की कबूतर परवरी और पाकिस्तान की कबूतर परवरी में क्या फ़र्क है, तो उस्ताद मोहतरम से जानेंगे। और इनसे जो हालिया जो बाजियाँ थी, एक मुनफरद सी बाजियाँ लगी थी इनकी पाकिस्तान में, घोड़े के जो इनामी रकम की बजाय इन्होंने घोड़ा रखा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्यों रखा और शौक के वाले से थोड़ी सी बातें गुफ्तगू करते हैं। तो आइए दोस्तों उस्ताद सैयद फ़ख्र बादशाह साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाल है? ठीक हो? सब कुछ करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अपने भाई जी रखे, तो थैंक यू तो चैनल का भी। तो सब कुछ पहला बस ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि यूके तो अच्छे से आए से अपने शौक वास्ते, अपने शौक इंजॉय की थी। वापसी आज आज तो ना भी मुलाकात हो। अच्छा मुर्शिद, गल हो रही थी कि गुफ्तगू असल जो यूके का भी शौक है तो शौक पाकिस्तान का भी है। जी जी, इस साढ़े पाकिस्तान का तो यूके दे विच की फर्क तुसी देख लो कबूतर पर विच कि क्या कबूतर इको जे ने, क्या कबूतरबाजी सेम ही है, थोड़ा जा मैं डिटेल में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जेडे कबूतर परवरी जेड़ा वो तो हर जगह सेम ही होता है। पाकिस्तान सिर्फ एक जगह जेड़ है जिन्हों असी समझना शौक है कि हकीकत गल है कबूतर परवरी जरा शौक है जेड़ का भी। तो जेड़ के बीच भी एक कबूतर की पहचान होती है, तो जेठ बीच एक उस्ताद भी पता चलता है कि उस्ताद अपने किन्ना को इस चीज़ पर मात रखता है, किन्ना को अच्छा खिलाड़ी है। तो अगर उस्ताद अपने परिंदे में अच्छा वापसी साम करता है तो वो ही अच्छा उस्ताद है। तो पाकिस्तान की जी मुकर परवरी है वो जैसे मतलब पूरी दुनिया के अस्त नंबर वन जा रही है। जी सा यूके की मुकर परवरी वो साढ़े वनडे की है। सही ओदे विच जिहड़े अजकल असी जिहड़ी साडे नवे अजकल साडे स्पोर्ट्समैन आ रहे ने यंग, जिहड़े अजकल हर उस्ताद दे पिछे ही कि उन्होंने ज़हन रखिया है कि सानू खेड पानी लभ जाए, बस खेड पानी लभ जाए। उत्थे समझ लो कि है ये उत्थे गोली सही जिहड़ी उन्हें चल जांदियां ने। आ मेरा हुण यूके दा ही मेरा शगिर्द है, ओहदा फोन आ रहा है। जी सलामकुम, की हाल है इरफान? मैं जनाब थोड़ा इंटरव्यू दे रहा थी यूके का, तो सब फोन आप दसना सेहत भी ठीक है। और मेरे दोस्त आए ने ते वो कबूतर पूछ रहे थे कि थोड़े कबूतर को भी जी यूके और पाकिस्तान की डिफरेंट है, तो मैं दस रहा तुसी सुनाओ कितनी कॉम्पिटिशन दे। अच्छा समझो, चलो फिर तो मैं उतनी होगा ना। हाँ हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे तकरीबन थोड़े उत्तर पहुँचा था तकरीबन कोई साढ़े सात आठ बजे पहुँचा था परसों। जी वालेकुम अस्सलाम भाई जान, जट बादशाह साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जनाब बंगीत खल साहब जी, हाँ जी जी वेलकम जी। जी दोस्तों जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जो मेरे साथ नए टच हो रहे हैं लाइव। दोस्तों ज़रा बता दीजिए आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ज़रा बता दीजिए।
कोई चीज देनी चाहिए अपनी दसो पर जाए भी फरमाइश कोई ऐसी चीज है दसो बिल्कुल अली भट्ट साहब जी कैसे हैं जी तबीयत से ठीक है जी दवाई दूसरिया लाइटरमाइसिन चीजा नहीं लगे क्या लगी मेरे कजन ने आना जरूरत थी अच्छी मंगवा लागे ठीक है ओके ओके ठीक है ओके ओके अल्लाह अल्लाह जी शाह साहब बस उत्थे फिर यूके का जरा गल है कि एक कोई पता नहीं भाई तुसी अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो देख रहे हो मौसम के बारे मौसम का बहुत प्रॉब्लम है उसको अच्छा जी भाई तकरीबन समझ लो शेखपुर है तो कुछ ना आ रहे कोई पता नहीं इतने बारिश हो रही है तो कुछ ना आ रहे बिल्कुल साफ है तो क्या प्रॉब्लम है तो उसके बाद तूफान का पता किसी टाइम में जनाब विंड जी चल सकती है हवा जी बहुत तेज हो जाती है दूसरा उसे बैरी का बहुत इशू है अच्छा जी कोई पता नहीं तुम सुबह दोस्त छोड़ दो कबूतर सुबह सुबह जो अटैक हो जाता है दो कुछियाँ पै जाए अच्छा ठीक 20 मिनट बाद घंटे बाद दो घंटे बाद पूरी छत जी रोफ बंद हो गई सही तो उसे समझ लो कि चांस से साड़ी कबूतर पर हुई है जरा इतने इतने जरा सा कबूतर पर हुई जरा एक इंजॉय करना जरा एक शौकीन आदमी है जरा अच्छा स्टार है अच्छा शौकीन है वह बंदा इस पाकिस्तान के किसी भी इलाके जाकर अपना शौक है जिस तरह अभी अतकी हूँ जिस तरह मैं अपनी मिसाल देना अतकी मैं अपने शौक वास्ते आया नहीं करी शेयर अच्छा जी तो यह तुम्हें पता कि मेरा पंजाब के हर अच्छे उस्ताद ने अतकी असी कंपीटिशन किया है अपना साढ़े फ्रंट से घोड़े से अच्छा तो बैक साइड से उन्होंने लागत से तो मैं बस यही कहाना अज तुम मेरे को इंटरव्यू लै रहे हो जेड़े जेड़े सासों ने मैं फोन किया खासकर सब तो पहला गुजरात के चौधरी सान साहब ने अच्छा फिर चौधरी मुदसर साहब ने अपना जनाब मोहतरम नमी जोड़ा साहब ने अच्छा माशाल्लाह इन्होंने मेरा शौक क्योंकि पहला तुम पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से एक फ्री एंट्री अपने मुल्क वास्ते शौक करवाया से सही ऐप की मेरा खुद दिल किया रावलपिंड अपने लोग छत बनाई और फिर मैं सब ने फोन किया कि यार मैं शो करना चाहना मगर वन टू वन बाजिया मैं नहीं खेलना चाहता एज ए शो फिर थोड़े भाई फेसबुक कौन अच्छा जी वो शौक माशाल्लाह उस्ताद चौधरी सान साहब ने साडा करवाया सही माशाल्लाह उसके बाद उस्ताद मुशीर अली साहब ने साडा शौक करवाया उसके बाद रावलपिंडी मलिक नज़र साहब ने उन्होंने शौक करवाया साडा उस्ताद मोहतरम जनाब राजा काका साहब उन्होंने मुकाबले कराए थे उन्होंने शौक करवाया साडा सही साढ़े तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8-10 घोड़े लगे हुए थे अच्छा 8-10 घोड़े सर जी हाँ अच्छा शौक इंजॉय की शौक में आवाज़ स्पीकर अच्छा शाह जी
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੁਬਹਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5:15 ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5:30 ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹਾ 7 ਵਜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡਸ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਾਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਉਡਾਈਦਾ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਡਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦਾ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਗਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7:30 ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਰਗਨਾਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6-7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਸਹਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, BMW ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਫਿਲਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਚੋ ਜਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਸ਼ੈਕਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਛੱਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 68 ਦੋ ਸੰਭਲ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੋਏ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ, ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਛੋੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਛੋੜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਖਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਆਂ 2 ਕੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਮ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਬਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ,
और वापसी से सांबर आला जड़ा कोई भी माहौल के कोई भी उस्ताद एस जेठ भी पता चल रहा है आज की किसी भी है जेठ भी चे जी जड़े अच्छे उस्ताद ने अच्छे खिलाड़ी ने वो खेडे ने हार जीत दा बंदे नहीं सोच सोचनी चाहिए हार जीत दा ते गेम दा हिस्सा है हाँ जी क्योंकि अगर बंदा हारना नहीं उन्हें स्ट्रांग किस तरह होना है स्ट्रांग पॉजिटिव हो वैदा कि मेरे को गलती की हुई मिलता की कमी है ब्लड की कमी गेम की कमी वापसी शाम की कमी है कितने गलती की थी है फिर और सब तो जरा मैं कहना अपने शिगिरदन में कहना है कि जीत जड़ी है ना वो बंदे में नहीं सिखाती हार सिखाती है बंदे हार स्ट्रांग करती है बंदे हिम्मत देती ताकत देती है जरा बुजदिल उस्ताद हो बुजदिल खिलाड़ी हो वो अगे कभी नहीं आ सकते बिल्कुल ये शौक भी वड्डा जरफ वड्डी सोच वड्डी सोच ताकत आला है देखो यकीन करो है मैं दोस्ती काफी आपकी जो कराए थे जिम्मी हो ना मैंने बहुत लड़कियां ने कह शाह साहब तुम तो बहुत बहुत व्डे चैंपियन उस्ताद ने मुकाबला किया मैं क्या मजे के उन्होंने नाल सही है ठीक है कोई गल नहीं असी हार की हार हुई है एक्सैप्ट की है मगर हार भी सबक भी तो मिले ना सू सही पिंडी का भी सू सबक मिले मौसम का मिले साढ़े को ब्लड से वह पता चल गया मेरे शिगिर्द भी इस चीज़ के उन्ना का उस्ताद जी है डॉक्टर जी साढ़े को बिल्कुल बहुत स्ट्रांग हो इंशाल्लाह जो जीते मुबारक दी है उन्होंने मैं क्या तुम्हारा फिर खेला सही माशा खेला अपने आप स्ट्रांग करा सही तो शौक देखो ना हाँ है जरूर है कि साढ़े अंदर असि जब बाहर तो आए हैं ना साढ़े अंदर एक जुनून होता बिल्कुल बाहर आसी इतने आके ट्रस्ट करने अपने पाकिस्तान वीरों से पाकिस्तान तादों से पाकिस्तान वाले बिरादरों से उन्होंने मेहरबानी जो सू इंट्री इतने साधी आखिर पुलिस साढ़ा टूरनामेंट साड़ी नाम इंट्री है जिस टाइम किसी का हक नहीं ना मिलेगा या माड़े बंदे का हक नहीं मिलता उस टाइम थोड़ा सा सही है। अच्छा शाह जी जो सा उ जो शौक करते हो कबूतरों का